हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल चटपटी रसोई में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पोहे की नमकीन, एकदम झटपट और 5 मिनट में हो जाएगी, एकदम चटपटी। तो चलिए जान लेते हैं पोहे की नमकीन बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। यहाँ पे मैंने पोहे लिए हैं 200 ग्राम, ये देखिए इतने बड़े बड़े। 100 ग्राम मूंगफली के दाने लिए हैं। तेल लिया है, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो तेल आप। लहसुन की कलियाँ, 5-6 कलियाँ हमने बारीक काट लिया है। मिर्च, हरी मिर्च मैंने बारीक काट लिया है 5-6। लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हम एक कढ़ाई ले लेंगे, गैस ऑन कर लेंगे और इसमें हम 2 चम्मच, बड़े चम्मच से हम तेल डाल देंगे। दो चम्मच डाल देंगे और इसे गरम कर लेते हैं तेल को। तेल गरम हो चुका है, गैस की आंच हम धीमी कर देंगे और इसमें हम मूंगफली के दाने डाल के फ्राई करेंगे अच्छे से। 4-5 मिनट तक फ्राई करेंगे इसे। ऐसे हम चलाते रहेंगे। ये देखिए फ्राई हो रहा है। ये बहुत आसान है, आप घर पे भी बना सकते हो और चाय के साथ इसे खा भी सकते हो, एकदम चटपटी बनती है। ये देखिए मूंगफली के दाने फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसी तेल में पोहे फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा तेल नहीं यूज करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पोहे हम फ्राई कर लेते हैं धीमी आंच पे। एकदम चुरचुरा फ्राई करेंगे। ये देखिए दोस्तों हमारे पोहे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और जो बचा है उसे भी हम फ्राई ऐसे ही कर लेंगे। तो निकाल लेते हैं, हमने निकाल लिया है। हम थोड़ा सा और तेल डाल देंगे जो बचा है उसे फ्राई करने के लिए। जो तेल था उसमें वो पूरा फ्राई हो चुका है। अब सारे पोहे हम डाल देंगे और अच्छे से फ्राई कर लेंगे इसे भी हम। ये देखिए दोस्तों ये भी फ्राई हो चुका है, इसे भी हम निकाल लेते हैं। अब हम कढ़ाई वापस रख देंगे, इसमें 1 छोटा चम्मच हम तेल डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, और कटी हुई लहसुन भी डाल देंगे, मिर्च भी डाल देंगे और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम लाल मिर्च भी पाउडर डाल देंगे 1 चम्मच। स्वादानुसार नमक भी डाल देंगे और 1 मिनट तक हम भून लेते हैं। ये भून चुका है, अब हम इसमें पोहे डाल देंगे। पोहे और मूंगफली के दाने दोनों डाल देंगे और अच्छे से मिला लेते हैं। ऐसे हम अच्छे से मिला लेते हैं। आप इसमें हल्दी भी डाल सकते हो लेकिन हम हल्दी नहीं डाल रहे हैं। ये देखिए हमारे पोहे बनके एकदम रेडी हैं। गैस बंद कर देंगे और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं, मिल चुके हैं। ये देखिए दोस्तों हमारी पोहे की नमकीन बनके एकदम रेडी है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।